हाय एवरीवन, आज मैं आपको फॉरिच, मैप एंड फिल्टर इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे ताकि आपको पूरा ही क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखो, पहले मैंने एक अरे को ले लिया है 1 to 5 और एक माइनस वैल्यू लिया है। अब मैं पहले फॉरिच को यूज़ करता हूँ। तो देखो, फॉरिच को मैंने यूज़ किया और मैंने क्या किया कि फॉरिच जो है वो हर एक एलिमेंट को इटरेट करता है। कैसे पता चलेगा? कंसोल लॉग करता है एलिमेंट और सेव करो। देखो, उसने सारे एलिमेंट से इटरेट किया और हमें वैल्यू दिया। मुझे करना क्या था कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और उसको रिटर्न करना है। लेकिन फॉरिच सिर्फ यूज़ होता है एलिमेंट को इटरेशन करने के लिए। तो मैंने जानबूझकर ऐसा रिटर्न वाला स्टेटमेंट लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये फॉर ईच का काम नहीं है। फॉर ईच में अगर आपको ये वाला ऑपरेशन करना है तो कैसे करते हैं वो बाद में देखते हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मैप में और देखते हैं। चलिए देखो, मिला ये मेरा न्यू अरे मैं लिख देता हूँ। हाँ देखो, मैप ने क्या किया, मैप ने भी इटरेट किया सारे एलिमेंट को, ठीक है। 1 to 5 -7 हमने रिटर्न करवाया, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो मैप जनरली क्या करता है, जो कुछ भी ऑपरेशन करेगा उसका एक नया ही अरे आपको रिटर्न करेगा। और उसको मैंने वेरिएबल में ले लिया और वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो देखो, पूरा नया अरे उसने बना के दे दिया मुझे। अब सेम थिंग अगर मुझे करना है फॉर ईच से तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं इसको अरे ले लूँगा, क्योंकि फॉर ईच जो है वो रिटर्न करता नहीं है कुछ, वो सिर्फ इटरेट करेगा। तो फॉर ईच मैंने लिख दिया, कंसोल एलिमेंट तो ठीक है रिटर्न कुछ करेगा नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि न्यू अरे में हम पुश कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट में कर लिया और पुश किया न्यू अरे। और ये देखो, फॉर ईच में वो बोल रहा है कि इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ई यहाँ पे कैपिटल आएगा। देखो आ गया। तो फॉर ईच के लिए आपको एक नया अरे बनाना पड़ेगा, उसमें पुश करो और तब जाके आपको एक नया अरे मिलेगा जो कि आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। परफेक्ट। तो इन सब में फिल्टर का क्या यूज है? देखो, फिल्टर भी मैप जैसा ही है, लेकिन फिल्टर में एज नेम इट सजेस्ट कि फिल्टर वो करके देगा। तो फिल्टर में हमें कुछ कंडीशन बोलनी पड़ेगी उसको ताकि वो फिल्टर कर सके। तो मैं वापस से इसको यहाँ पे ऐसे लेके आता हूँ और फॉर ईच की जगह मैं लिख देता हूँ फिल्टर। परफेक्ट। और ये पुश वाला हमें नहीं चाहिए। देखो, फिल्टर एंड मैप दोनों ही एक नए अरे को रिटर्न करेगा, लेकिन मैप जो है वो तब यूज होगा जब हमें कुछ ऑपरेशन करना हो, और फिल्टर तब कि हमें कंडीशनली कुछ मैनेज करना हो। तो देखो, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि एलिमेंट वही रिटर्न करो कि जो ग्रेटर देन 0 हो। तो देखो, पहले आउटपुट देखो, उसने रिटर्न क्या किया 1 to 5 और ये -7 को उसने निकाल दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि फिल्टर उसने कर दिया कि जो भी एलिमेंट उसने इटरेट किया उसमें अगर ग्रेटर देन 0 है तभी उसको रिटर्न करो। इन द सेंस उसने नया एक अरे बनाया, उसने हमारे जो वेरिएबल न्यू अरे है उसमें दिया और हमने प्रिंट कर लिया। चलिए ये कंडीशन को चेंज करके देखते हैं, लेस देन 0 करके देखते हैं। तो उसने दिया -7। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर ईच, मैप एंड फिल्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।